बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? खुश हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, ऐसे हंसता मुस्कुराता रखे। माय नेम इज़ रिफा जहां एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफा जहां। सो टुडे आई एम गोना टीच यू द थर्ड स्टेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन एंड दैट इज़ क्रैब साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल और TCA साइकिल। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। आप लोगों ने बहुत ध्यान से आज का टॉपिक लेना है। याद करें, मैंने आपको बताया था कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है इसकी काफ़ी सारी स्टेजेस होती हैं। इस वाले लेक्चर वीडियो से पहले वाले लेक्चर वीडियो तक हमने इसकी दो स्टेजेस को डिटेल से डिस्कस किया। फर्स्ट स्टेज थी ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें हमने देखा था कि ग्लूकोज कैसे कन्वर्ट होती है इनटू 2-पाइरूविक एसिड, ठीक है। उसकी सेकेंड स्टेज थी पाइरूविक एसिड की ऑक्सीडेशन, क्योंकि हमने कहा कि पाइरूविक एसिड जो है वो डायरेक्टली आप नहीं कह सकते कि एंटर कर सकता है क्रैब साइकिल, उसको फिर हमें चेंज करना पड़ता था एसिटाइल को ए में, और एसिटाइल को ए में चेंज करने के लिए हमें पाइरूविक एसिड की ऑक्सीडेशन करवानी पड़ती थी। तो उसकी हमने ऑक्सीडेशन करवाई थी इसकी सेकेंड स्टेज में, ठीक है। ऑक्सीडेशन करवाने के बाद हमें एसिटाइल को ए मिला, वो एसिटाइल को ए अब क्रैब साइकिल में एंटर होकर क्रैब साइकिल को स्टार्ट करेगा, ठीक हो गया। तीनों मैंने आपके साथ स्टेजेस रिलेट करवा दी ताकि आपको आइडिया हो कि क्या हुआ और क्या होने जा रहा है, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। दिस इज़ द मेन स्लाइड जहाँ से हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है। अच्छा जी, मैंने आपको बता दिया कि जी क्रैब साइकिल भी कहते हैं इसको, ठीक है। सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। अगर आपको कहें राइट एंड ऑटन सिट्रिक एसिड साइकिल, आपने कन्फ्यूज नहीं होना, वो क्रैब साइकिल की बात करेंगे। तो अगर आपको वो कहें कि राइट एंड ऑटन TCA साइकिल, दैट मीन्स ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, तो आपने कन्फ्यूज नहीं होना, वो क्रैब साइकिल की बात करें। समझ आ गई? चलें जी, यहाँ मैंने आपको बता दें कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोगों ने ध्यान से आज का टॉपिक लेना, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़े बहुत अगर आप रिएक्शन समझ लें, थोड़ा बहुत प्रोसेस समझ लें, आपको सारे के सारे क्रैब साइकिल की समझ आ जाएगी। आप लोगों के लिए ज़िंदगी और टॉपिक आसान करने के लिए मैंने बहुत ही आसान से आपके साथ डायग्राम शेयर की। जब आप डायग्राम में होने वाले ये सारे के सारे रिएक्शन को समझ जाएंगे तो आपको पूरे का पूरा क्रैब साइकिल समझ आ जाएगा। जब आप डायग्राम समझेंगे ऑब्वियसली बात है कि आपको फिर थ्योरी भी समझ आ जाएगी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्रैब साइकिल। याद करें, हमने कहा था कि हमें एसिटाइल को ए ही चाहिए था, क्यों? क्योंकि यही एंटर करता है क्रैब साइकिल में, तभी ये क्रैब साइकिल स्टार्ट होती है। क्यों ये जरूरी है? वो इसलिए क्योंकि ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रिया में ना ऑक्सैलो एसिटेट मौजूद है। तो जैसे ही एसिटाइल को ए ऑक्सैलो एसिटेट के साथ मिलेगा, मिलने के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज सिट्रेट। समझ आ गई? हम कहेंगे जी हमारा इस क्रैब साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट हमें सिट्रेट मिल गया, मतलब अभी ये साइकिल जो है वो आगे फर्दर प्रोसीड करना है, मतलब फर्स्ट जो हमें प्रोडक्ट मिला दैट इज सिट्रेट। कैसे मिला? दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एसिटाइल को ए जो कि हमने सेकेंड स्टेज पाइरूविक एसिड के ऑक्सीडेशन करने के बाद हमें ये प्रोडक्ट मिला, हमने इसको एंटर किया इनटू थर्ड स्टेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन दैट इज क्रैब साइकिल। जैसे ही एंटर करेगा ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद ऑक्सैलो एसिटेट के साथ मिलेगा, ठीक है। ऑक्सैलो एसिटेट के साथ मिलने के बाद ये कन्वर्ट होता है इनटू सिट्रेट, और इस दौरान होता ये है कि ये जो कोएंजाइम था ना, ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो एसिटाइल को ए में से ये कोएंजाइम गिर गया या रिलीज हो गया, तो उसके बाद सिट्रेट मिल गया। समझ आ गई? अब इस सिट्रेट ने कन्वर्ट होना है अपने आइसोमर में, दैट इज आइसोसिट्रेट। आइसोमरिज्म का प्रोसेस होगा, आइसोमरिज्म का प्रोसेस होने के बाद सिट्रेट कन्वर्ट होगा इनटू आइसोसिट्रेट, और ये जो आइसोसिट्रेट है ये सिट्रेट का ही आइसोमर है। आइसोमर क्या है? आइसोमर बेसिकली होता है कि केमिकल फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल अपीयरेंस डिफरेंट हो, ठीक है। अब जैसे सिट्रेट कन्वर्ट होगा आइसोसिट्रेट में आइसोमरिज्म के बाद, तो यहाँ से वाटर रिलीज होगा। समझ आ गई? ये चेंज हो गया। अब इसके बाद ना, अब आइसोसिट्रेट ने कन्वर्ट होना है इनटू अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। किसमें? अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। अब ये ऐसे ही नहीं कन्वर्ट हो जाते, इसमें काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। चेंजेस ये होते हैं कि अगर हम आइसोसिट्रेट की बात करें ना, या सिट्रेट की बात करें, वो 6 कार्बन वाला है। कौन से वाला है? 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, मतलब कि इसमें 6 कार्बन है, ठीक है। अब इसने कन्वर्ट है ना अल्फा कीटो ग्लूटारेट में, और अगर हम इसकी बात करें तो ये 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। इसका मतलब 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहा है इनटू 5 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में। तो 1 कार्बन कहाँ गया? सवाल पैदा होता है कि 1 कार्बन कहाँ गया? 1 कार्बन यहाँ गया भाई, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल हुई, यहाँ जो प्रोसेस हुआ डी कार्बोक्सिलेशन का, वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुई वो आइसोसिट्रेट से 1 कार्बन को लेके बाहर चले जाएगी, रिलीज हो गया, मतलब रिमूव हो गया। अब ये 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 5 कार्बन वाले मॉलिक्यूल, दैट इज अल्फा कीटो ग्लूटारेट में, ठीक हो गया। अब उसके बाद ना होता ये है कि हमने कहा था कि अगर हम क्रैब साइकिल की बात करें ना, तो क्रैब साइकिल को कहते हैं कि इसमें काफ़ी सारे ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव रिएक्शंस होते हैं। अगर इस पूरे साइकिल की बात करें, इसमें ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव रिएक्शंस होते हैं, मतलब इनमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी देखा जाता है और इस साइकिल में रिडक्शन का प्रोसेस भी देखा जाता है, ठीक है। अब अगर हम आइसोसिट्रेट की बात करें, तो आइसोसिट्रेट
आइसोसिट्रेट में ऑक्सीडेशन होगी. क्या होगी? ऑक्सीडेशन. इसका मतलब आइसोसिट्रेट से हाइड्रोजन एटम ने रिमूव होना है. ठीक है, अगर हम NAD की बात करें तो इसने रिडक्शन करनी होती है, मतलब इसने रिड्यूस होना. इसका मतलब इसने ऐड करवाने अपने अंदर हाइड्रोजन एटम. तो NAD की क्या होगी? रिडक्शन. और आइसोसिट्रेट की होगी ऑक्सीडेशन. आइसोसिट्रेट ने हाइड्रोजन एटम दिया, वो ले लिया NADA ने, और NAD कन्वर्ट हो गया इनटू NADH. ठीक हो गया, ये कन्वर्जन होगी. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल भी होगी. उसके बाद होगा ये कि फाइनली क्या होगा कि आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हो गया इनटू अल्फा कीटो ग्लूटारेट. समझ आ गई? अब नेक्स्ट होना ये है कि अल्फा कीटो ग्लूटारेट ने कन्वर्ट होना है इनटू सक्सिनाइल को ए. अगर हम सक्सिनाइल को ए की बात करें तो ये भी 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है. अब आप कहेंगे कि अल्फा जो था कीटो ग्लूटारेट वो तो 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल था, तो ये 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल कैसे हुआ? एक कार्बन कहाँ गया? वही कहानी ऊपर है जैसे ऊपर कहानी थी ना, सेम कहानी यहाँ भी है कि भाई यहाँ से भी एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिमूव होगा. जैसे ही वो रिमूव होगा, इसका मतलब अल्फा कीटो ग्लूटारेट से एक और कार्बन रिमूव हो गई, तो वो 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया इनटू 4 कार्बन वाले मॉलिक्यूल, दैट इज सक्सिनाइल को ए. अब आप कहेंगे कि अल्फा कीटो ग्लूटारेट में तो को ए का वर्ड ही नहीं लिखा, इसका मतलब उसमें तो कोएंजाइम ए है ही नहीं. लेकिन सक्सिनाइल को ए लिखा हुआ कोएंजाइम ए, क्या कहानी है? कहानी ये है कि यहाँ जब कन्वर्जन हो रही थी ना, तो वहाँ कोएंजाइम ए ऐड होगा इन दोनों में, या कह सकते हैं कोएंजाइम ए ऐड होगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट में. जैसे ही कोएंजाइम ए ऐड हुआ और एक कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल हुई, तो कन्वर्जन हो गई, हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए. समझ आएगी? इसमें भी ऑक्सीडेशन भी होगी, रिडक्शन भी होगी. इस कन्वर्जन में भी ऑक्सीडेशन ये कि अल्फा कीटा ग्लूटारेट में ऑक्सीडेशन होगी, वहाँ से हाइड्रोजन की रिमूवल होगी, NAD उसको रिसीव करेगा, NAD में रिडक्शन होगी और वहाँ से वो कन्वर्ट होगा इनटू NADH. पल्ले पड़ रही है बात की? कोई नहीं, पल्ले पड़ी. ये 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, इसने कन्वर्ट होना है इनटू 4 कार्बन वाले मॉलिक्यूल पे. एक कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके रिमूव होगी. ठीक है, अब ये कोएंजाइम यहाँ ऐड हुआ, एरो को समझा करें, यहाँ से ऐड हुआ. जैसे ही ये ऐड हुआ साइकिल में, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट इनटू सक्सिनाइल को ए. ठीक हो गया. अच्छा जी, उसके बाद ना सक्सिनाइल को ए ने कन्वर्ट होना है इनटू सक्सिनेट. किस में कन्वर्ट होना है? इनटू सक्सिनेट. अगर हम सक्सिनेट की बात करें तो ये भी 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है. इसका मतलब कि ये भी 4 कार्बन वाला है, ये भी 4 कार्बन वाला है. इसका मतलब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल नहीं होगी, यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस नहीं होगा, तभी तो वो 4 का 4 ही रह गया. ठीक है, लेकिन यहाँ होगा ये कि अगर आप ध्यान से देखें, ये सक्सिनाइल को ए है. अगर आप लफ्ज को समझें ना ध्यान से, तो आपको पूरा का पूरा साइकिल समझना बहुत आसान हो जाएगा. अब देखें ना, आप यहाँ को ए है, लेकिन अगर हम सक्सिनेट की बात करें तो यहाँ को एंजाइम ए नहीं लिखा हुआ. इसका मतलब सक्सिनाइल को एंजाइम ए से ये को एंजाइम ए रिमूव हो गई. आप एरो को समझें कि यहाँ से रिमूव हुआ, साइकिल से बाहर गया. यहाँ से साइकिल से अंदर हुआ था, ठीक है, लेकिन यहाँ से साइकिल से बाहर जा रहा है. समझ आ गई? अच्छा जी, जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से कोएंजाइम ए रिलीज हुआ, तो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सक्सिनेट. लेकिन यहाँ तक ही गेम खत्म नहीं हुई. इसका जो हमें बाय प्रोडक्ट मिलेगा, इसमें ना हमें एनर्जी मिलेगी, और वो एनर्जी ATP के फॉर्म में मिलेगी. और हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि अगर हम सक्सिनाइल कोएंजाइम ए की बात करें, अगर हम इसकी नोयर की बात करें, नेचर की बात करें, तो ये हाई एनर्जी यील्डिंग रिएक्शन है. ठीक है, ये हाई एनर्जी यील्डिंग कंपाउंड है. ठीक हो गया. होता ये है कि यहाँ ना GDP लिखा हुआ है. GDP का मतलब है गवानीन डाइफॉस्फेट. गवानीन डाइफॉस्फेट. अब गवानीन डाइफॉस्फेट के साथ ना एक और फॉस्फेट आके अटैच करेगा, एक और फॉस्फेट आके अटैच करेगा. तो जैसे ही एक और फॉस्फेट आके अटैच करेगा ना, तो वो जो GDP है, जो कि है गवानीन डाइफॉस्फेट, वो कन्वर्ट होगा इनटू GTP, जो कि है गवानीन ट्राइफॉस्फेट. अब क्यों? क्योंकि DP में, गवानीन डाइफॉस्फेट में एक और फॉस्फेट ऐड हुआ, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ट्राइफॉस्फेट में. ठीक है, अब जैसे ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, तो ये गवानीन ट्राइफॉस्फेट में, आपको पता है कि गवानीन के साथ 3 फॉस्फेट लगे. कितने फॉस्फेट लगे? 3 फॉस्फेट. अब ये 3 फॉस्फेट ना अपना एक फॉस्फेट दे देगा. किसको देगा? ADP को देगा. किसको देगा? ADP को. अब जैसे ही ADP ने एक फॉस्फेट लिया इस गवानीन फॉस्फेट से, वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ATP. मतलब डाई से जब एक और मिल गया, ट्राई बन गया, तो ATP मिल गया. अब आप कहेंगे कि जब यहाँ से गवानीन ट्राई फॉस्फेट से एक फॉस्फेट उसने ADP को दे दिया, तो वो तो गवानीन डाई फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा. यही वजह कि एक साइकिल से यहाँ छोटा सा बनाया हुआ है कि ये डाई इसमें ट्राई में कन्वर्ट हो रहा है, ये ट्राई जो है वो डाई में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक हो गया, ये कन्वर्जन भी समझ आ गई. ये जो है ना, यहाँ से ATP रिमूव होती है. उसके बाद ना अब नेक्स्ट सक्सिनेट ने कन्वर्ट होना है इनटू फ्यूमारेट. इनटू फ्यूमारेट. फ्यूमारेट भी 4 का
कार्बन वाला, मैलेट भी 4 कार्बन वाला होता है, और अगर हम ऑक्सैलो एसीटेट की बात करें वो भी 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। इसका मतलब कि सक्सीनेट के बाद कोई कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल नहीं होगी, क्योंकि ये भी 4 कार्बन वाला, ये भी 4 कार्बन वाला, ये भी, इसका मतलब कार्बन नंबर सेम जा रहा है, इसका मतलब कोई कार्बन रिमूव नहीं हुई कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में। ठीक हो गया, चले नहीं, सक्सीनेट ना जैसे ही फ्यूमरेट में कन्वर्ट होगा ना, यहाँ हम देखेंगे कि एक और हमें ऑक्सीडेटिव एजेंट देखने को मिलेगा, दैट इज FAD, दैट इज FAD। अब यहाँ फिर अगेन दोबारा ऑक्सीडेशन हो रही है और रिडक्शन हो रही है। होता यह है कि अगर हम सिट्रेट की बात करें, इसमें ना ऑक्सीडेशन होती है, ये रिमूव करेगा हाइड्रोजन, और FAD में रिडक्शन होगी, मतलब ये उस हाइड्रोजन को लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा इनटू FADH2। ठीक हो गया, ये कन्वर्जन समझ आ गई। और FADH जो है वो आपको पता है कि ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर हम NADH की बात करें, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, टाइप है। ठीक है, अच्छा जी, तो जैसे ही इसमें ऑक्सीडेशन हुई, ठीक है, FADH2 बना, उसके बाद ये सक्सीनेट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फ्यूमरेट, जो कि 4 कार्बन मॉलिक्यूल है। उसके बाद अब फ्यूमरेट ने कन्वर्ट होना है इनटू मलेट, किसमें, मलेट। अब मलेट की बात करें तो ये जो है ना, ये भी 4 कार्बन वाला है, इसका मतलब कोई कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल नहीं हुई, और यहाँ ना वाटर ऐड होगा, यहाँ वाटर, इसका मतलब फ्यूमरेट में जैसे ही वाटर ऐड हुआ वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मलेट, इसमें इनटू मलेट। अब मलेट ने ना कन्वर्ट होना इनटू ऑक्सैलो एसीटेट। अब जैसे ही इसकी कन्वर्जन होगी, होता यह है कि मलेट में ऑक्सीडेशन होगी, मतलब मलेट जो है वो हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, वो हाइड्रोजन रिसीव करेगा NAD, जो कि आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू NADH। ठीक है, ये कन्वर्जन जैसे ही होगी ना, मलेट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ऑक्सैलो एसीटेट। साइकिल का मतलब होता है कि जहाँ से साइकिल स्टार्ट हुआ है वहीं से साइकिल आके एंड हो जाए, जिस चीज़ से साइकिल स्टार्ट हुई वहाँ से ही साइकिल एंड हुआ। अब आपको पता है कि जैसे एंड हुआ ये साइकिल, ऑक्सैलो एसीटेट हमें मिल गया। अब ऑक्सैलो एसीटेट दोबारा इस क्रैब साइकिल को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि ये साइकिल प्रोसेस है, ये साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है कि ये बार बार होगा, रिपीटेडली होगा, तो ये ऑक्सैलो एसीटेट जैसे ही एसीटाइल को एक साथ दोबारा अटैच होगा, कन्वर्ट हो जाएगा इंटू सिट्रेट, और दोबारा से फिर सारी की सारी कहानी जो है वो देखने को मिलती है। समझ आ गई, ज़िंदगी आसान हुई कि कोई नहीं, अभी भी थोड़ा मिक्सअप हो रहा है, परेशान नहीं होना, हम इसको थ्योरी की शक्ल में देखते हैं। जैसे ही हम थ्योरी को दोबारा रिलेट करवाएंगे, मैं आपको साथ थ्योरी पढ़ाऊंगी, फिर मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी, फिर थ्योरी पढ़ाऊंगी, फिर डायग्राम दिखाऊंगी, आपको कॉन्सेप्ट बार बार रिवाइज होगा। बार बार रिवाइज होने की खुशखबरी ये होगी, या उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको वो पॉइंट याद हो जाएगा। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं थ्योरी अपनी। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम थ्योरी स्टार्ट करते हैं। वो ये कि ऑक्सैलो एसीटेट जैसे ही एंटर करेगा साइक्लिक सीरीज में, आपको पता है साइक्लिक सीरीज मतलब जैसे ही क्रैब्स साइकिल में एंटर करेगा, केमिकल रिएक्शंस होंगे, काफ़ी सारे रिएक्शंस होंगे, और उन रिएक्शंस को हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन होगी। अब आपको हमने, मैंने बताया था कि अगर हम क्रैब्स साइकिल की बात करें ना, तो उसमें काफ़ी सारी ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस भी हमने देखे और रिडक्टिव रिएक्शंस भी देखे। ठीक हो गया, कहते हैं कि ये जो सीरीज ऑफ रिएक्शन हमें देखने को मिलते हैं ना, उस वो सीरीज ऑफ रिएक्शन जो है वो स्टार्ट करवाता है एसीटाइल को, और वो सीरीज ऑफ रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी देखने को मिलती है, वो सारे के सारे सीरीज ऑफ रिएक्शन को हम क्रैब्स साइकिल भी बोलते हैं और सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। समझ आ गई, अच्छा जी, अब ये तो कहानी होगी। पहला हम स्टेप डिस्कस करते हैं अब क्रैब्स साइकिल का, वो ये है कि अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें, तो साइकिल स्टार्ट होता है जब हमें यूनियन देखने को मिलती है। यूनियन का मतलब जब हम अटैचमेंट देखते हैं एसीटाइल को एक ही अटैचमेंट देखते हैं ऑक्सैलो एसीटेट के साथ, इन दोनों की जैसी अटैचमेंट होगी, हमने कहा था कि हमें सिट्रेट मिलेगा। क्या मिलेगा? सिट्रेट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद होता यह है कि यहाँ से ना वाटर यूज़ होगा इस प्रोसेस में, वाटर इस प्रोसेस में यूज़ होगा, और ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो आपको पता है कि 4 कार्बन वाला एसिड है या मॉलिक्यूल। ठीक हो गया, मतलब कि ये जो एसिटाइल को ए है ये अटैच होगा इनटू ऑक्सैलो एसीटेट और कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सिट्रेट। पहला पॉइंट ये समझ आ गया, चलिए जी नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं। कहते हैं अब सेकंड स्टेप में क्या होना होता है, सेकंड स्टेप में ये होता है कि आइसोमर बनेगा सिट्रेट का। सिट्रेट का आइसोमर क्या था? सिट्रेट का आइसोमर था आइसोसिट्रेट। ठीक है, क्या था ये देखिए, आइसोसिट्रेट। ठीक है, ये अच्छा जी, इसमें क्या होता है, कहते हैं कि इसमें NAD जो है वो उसमें रिडक्शन हो रही होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम सिट्रेट की बात करें, उसमें ऑक्सीडेशन होती है, उसके बाद ये हाइड्रोजन देगा और वो हाइड्रोजन रिसीव करेगा ये NAD और कन्वर्ट हो जाएगा इनटू NADH। ये चेंजेस थे ना, उसके बाद कहते हैं कि इसमें ना एक और हमें चीज़ देखने को मिलती है, दैट इज़ कि कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल होती है, मतलब डी कार्बोक्सीलेशन होती है। तो अब डी कार्बोक्सीलेशन के बाद आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होगा इनटू अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। ठीक हो गया, कहते हैं कि इसके रिजल्ट में ना जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल होगी, वैसे ही हमें फिर नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज कीटो ग्लूटारेट। और कीटो ग्लूटारेट की अगर हम नेचर की बात करें, ये 5 कार्बन मॉलिक्यूल था। सिट्रेट की बात करें, ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल था। तो सिट्रेट ने जब अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट होना, तो जाहिर है वहां से फिर एक कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं अल्फा कीटो ग्लूटारेट में दोबारा कार्बोक्सिलेशन देखने को मिलती है, और फिर दोबारा वहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है, रिडक्शन भी हो रही होती है। ये ऑक्सीडेशन करेगा, हाइड्रोजन देगा इसको,
ठीक है, और कन्वर्ट कर देगा ये अपने आप को इंटू NADH2, समझ आ गई। इस प्रोसेस में भी वाटर जो है वो ऐड हो गया, समझ आ गई सारे के सारे चेंजेस थे। तो इस स्लाइड में ये लिखा हुआ है कि अगर हम सक्सीनेट की बात करें तो सक्सीनेट ने अपना एक कार्बन देना है, वो कन्वर्ट कर देगा इनटू अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। अब आपको पता है कि ये जो है ये 6 कार्बन वाला है, ये 5 कार्बन वाला, ठीक है। अब होता ये है कि यहाँ कहते हैं एनर्जी मिलती है हमें, ATP का मॉलिक्यूल मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्रैब साइकिल में होना ये है कि ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन देखने को मिलती है। किसकी ऑक्सीडेशन होती है? सक्सीनेट की ऑक्सीडेशन होती है, और वो कन्वर्ट होता है इनटू फ्यूमारेट। मतलब नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ तक आ गए कि जो सक्सीनेट है वो कन्वर्ट करेगा इनटू फ्यूमारेट, और यहाँ आपको पता है कि FADH2 मिलेगा, मतलब कि सक्सीनेट की ऑक्सीडेशन होगी, हाइड्रोजन रिमूव करेगा, वो FAD लेगा, कन्वर्ट कर देगा अपने आप को FADH, और जैसे ही इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन देखने को मिलती है सक्सीनेट कन्वर्ट हो जाता है इनटू फ्यूमारेट, ठीक है। यही वहां बातें लिखी हुई हैं, परेशान होने की कोई खास जरूरत नहीं, सारी की सारी बातें मैंने आपको पढ़ा दी हुई हैं, मुश्किल नहीं है। सो यहाँ यही लिखा हुआ है कि क्रैब साइकिल के नेक्स्ट स्टेप में होगा ये कि सिट्रेट की ना ऑक्सीडेशन होगी और वो कन्वर्ट करेगा इनटू फ्यूमारेट, और इसमें काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस ये होते हैं कि आपको पता है कि 2 हाइड्रोजन एटम रिमूव होंगे, क्योंकि आपको पता है कि सिट्रेट में हमें ऑक्सीडेशन देखने को मिलती है, ठीक है। और वो जो है ना ऑक्सीडेशन होने के बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि वहाँ FAD मौजूद है, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसको फ्लेविन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। अब जो फ्लेविन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड है ना, ये उन 2 हाइड्रोजन एटम्स को रिसीव करेगा जो कि रिमूव हुए थे फ्रॉम सक्सीनेट, और लेने के बाद वो कन्वर्ट कर देगा इनटू FADH2, समझ आ गई। उसके बाद कहते हैं कि जैसे ही ऑक्सैलो एसीटेट बना, जो कि 4 कार्बन मॉलिक्यूल है, क्योंकि फ्यूमारेट ने दोबारा कन्वर्ट होना है इनटू ऑक्सैलो एसीटेट। अगर आप देखें फ्यूमारेट में ना, फिर उसने कन्वर्ट करना है अपने आप को मैलेट में, मैलेट ने दोबारा कन्वर्ट करना है ऑक्सैलो एसीटेट में। यही चेंजेस हो रहे हैं, कहते हैं कि अब जैसे ही हमें ऑक्सैलो एसीटेट मिलेगा उसमें क्या होता है कि हमें देखने को मिलता है कि NAD जो है वो कन्वर्ट होती है इनटू NADH, क्योंकि ऑक्सैलो एसीटेट बनने से पहले जो मैलेट है उसमें ऑक्सीडेशन होगी, समझ आ गई। कहते हैं जैसे ही इस पूरी साइकिल के बाद हमें लास्ट प्रोडक्ट मिलता है ऑक्सैलो एसीटेट, जैसे ही एंड हो जाता है ऑक्सैलो एसीटेट मिलने के बाद ये साइकिल, उसके बाद ये ऑक्सैलो एसीटेट दोबारा एक और मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा। किस मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा? एसिटाइल ग्रुप के साथ अटैच होगा, और वो कन्वर्ट कर देगा अपने आप को इनटू सिट्रेट। जैसे सिट्रेट में दोबारा कन्वर्ट हुआ, ये पूरे का पूरा साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यही कहते हैं कि साइकिल का मतलब होता है कि बार बार रिपीट हो रही है। सो यही था, कहते हैं कि उसके बाद जैसे ही ऑक्सैलो एसीटेट एक और मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल ग्रुप के साथ अटैच होगा, ये साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एसीटाइल को एक दोबारा इस साइकिल में एंटर होगा और उस साइकिल को दोबारा से रिपीट करवा देगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपने डायग्राम ही समझ ली होगी, आपको पूरी की पूरी थ्योरी समझ आ गई होगी, इवन आप वो थ्योरी खुद से भी देख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप इस डायग्राम में चेंजेस देख सकते हैं, आप उसको अपने वर्डिंग में एक्सप्लेन कर दें तो हमारा ये लॉन्ग कवर हो जाएगा। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, वो स्केच आपसे पूछ सकते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन में वो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर और थ्योरी पूछ सकते हैं क्रैब साइकिल की, या कह सकते हैं कि सिट्रिक एसिड साइकिल में नोट लिखें, या वो कह सकते हैं कि ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में आप नोट लिखें, तो आपने परेशान नहीं होना। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मजीद अगर आपने इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो बिला झिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह हम लोग रेस्पिरेटरी चेन को डिस्कस करेंगे, जो कि अगेन ये स्टेजेस ही हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की, क्योंकि आपको पता है कि वो हम रेस्पिरेशन को ही डिस्कस कर रहे हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।